चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। समय समय पर कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें चीन के बर्बरता का उदाहरण देखने को मिला है, लेकिन ये बर्बरता अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि उइगर मुसलमानों की मदद के लिए अब अमेरिका ने हाथ बढ़ा दिए हैं। अमेरिका ने मुसलमानों पर लगाई जा रही कई तरह की पाबंदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार करार दे दिया है और साथ ही इसकी जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। इसकी जानकारी गुरुवार को अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने दी। समाचार एजेंसी क्योडो की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसका जिम्मा वैश्विक आपराधिक न्याय के एम्बेसडर मॉर्सरे टैन को सौंपा है। वहीं टैन जल्द ही इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में हत्या होना और उसकी जनसंख्या पर पाबंदी करने को लेकर उठाए जा रहे कदमों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक नरसंहार की श्रेणी में ही गिना जाता है। कई सालों से चीन के शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसको लेकर कई बार अमेरिका ने चीन की राजधानी बीजिंग पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, लेकिन हर बार चीन जैसे तैसे मामलों को झुठलाता नजर आया है। लेकिन इस बार अमेरिका ने कड़ा रुख अपना लिया है। चीन उइगर मुसलमानों को दबाने के लिए कई सालों से बर्बरता कर रहा है। बताया जाता है कि चीनी सरकार मुस्लिम आबादी पर अंकुश लगाने के लिए जबरन नसबंदी और गर्भपात भी करा देती है। उन्हें बेवजह हिरासत में रखा जाता है, साथ ही उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है और कई तरह की ऐसी ही यात्राएं और भी दी जाती है जिससे किसी का भी दिल दहल जाएगा। अमेरिका की इस कड़े रुख पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।